नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। दर्शकों, 403 विधानसभाओं पर लगातार हमारा गुणा गणित को समझने वाला सर्वे और खास कार्यक्रम लगातार यथावत जारी है। इसमें हम एक एक कर एक एक विधानसभा का हालचाल जान रहे हैं और हालचाल के साथ वो चाल भी समझ रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं। लेकिन सबसे पहले विधानसभा में विधायक जी द्वारा क्या काम किए गए, इसको लेकर चर्चा करना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। तो इसको हर लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। विकास का पैमाना, शिक्षा का पैमाना, स्वास्थ्य का पैमाना, हर पैमाने पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे एटा विधानसभा की, एटा सदर सीट की। ये एटा जिला के अंदर आने वाली एटा सदर सीट, सदर सीट का मतलब दर्शकों शहर की सीट। तो एटा शहर की सीट की आज हम बात करेंगे, जहां से विधायक जी विपिन कुमार डेविड साहब हैं। विपिन कुमार डेविड साहब 2017 में खूब वोटों के साथ जीते थे, झोली भर भर के इनको जनता ने वोट दिया और हराया किसको, जुगेंद्र सिंह यादव को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुगेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे और एटा यादवों का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 2017 से पहले जब भी चुनाव होते थे तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब भी अपना चुनावी शंखनाद करते थे तब वो सबसे पहला शंखनाद जिस जगह से करते थे वो एटा शहर ही है। तो ऐसे में एटा यादवों की नगरी, यादवों का गढ़ और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर। लेकिन उसके बावजूद 2017 में मोदी लहर के चलते, ऐसा वहां की जनता कहती है, मोदी लहर के चलते विपिन कुमार डेविड को भारी भरकम जीत मिली। तो इस भारी भरकम जीत मिलने के साथ क्या विपिन कुमार डेविड जनता के साथ जो वो वादे और दावे करके आए थे क्या उन पर खरे उतरे? क्योंकि विपिन कुमार डेविड को अगर 2017 से पहले आप सुनते हैं तो विपिन कुमार डेविड साहब कहते मिलते थे कि गुंडा राज को मिटाना है तो बीजेपी को लाना है। जहां 2017 में जुगेंद्र सिंह यादव मैदान में थे और कह रहे थे कि विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे, लेकिन जुगेंद्र सिंह यादव कह रहे थे और दूसरी तरफ विपिन कुमार डेविड कह रहे थे कि हम गुंडा राज को मिटाएंगे अगर हम वापस आते हैं। तो क्या गुंडा राज पर लगाम लगी, क्या गुंडा राज पर काबू पा लिया क्या, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पिछले पांच बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ, मतपेटियां खुली तो कौन से नेता की किस्मत खुली, इसको आपको बता देते हैं कि 2017 में बीजेपी जीती थी और समाजवादी पार्टी को हराया था। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी और बसपा को हराया था। 2007 में बीजेपी जीती थी और सपा को हराया था। 2002 में सपा जीती थी, बीएसपी को हराया था। 1996 में सपा जीती थी और भाजपा को हराया था। 1993 में बीजेपी जीती थी और सपा को हराया था। तो कुल मिलाकर अगर आप समझेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि सपा और बीजेपी ये एक तरीके से आओ राम और गए राम वाला यहां पर सिलसिला है कि मतलब एक आता है तो अगली दफा दूसरा चला जाता है। हालांकि यादवों की जो संख्या है यहां पर जनसंख्या में सबसे बड़ा परसेंटेज रखती है। तो ऐसे में बार बार ये क्यों हो रहा है कि सपा हर दूसरे चुनाव में, हर अल्टरनेट चुनाव में यहां पर हार जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2012 में जो एसपी कैंडिडेट थे आशीष यादव वो जीते थे 2012 में, लेकिन 2017 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्होंने पाला बदल लिया। पाला बदल कर वो चले गए रालोद में, आरएलडी में। आरएलडी के साथ वो चुनाव लड़े, हालांकि वो रनर अप भी नहीं रह सके और इस बार रनर अप बने जुगेंद्र सिंह यादव। जुगेंद्र सिंह यादव एक बड़ा नाम, रामेश्वर सिंह यादव के छोटे भाई और सबसे करीबी माने जाते हैं रामगोपाल सिंह यादव के, और साथ ही साथ अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या इस बार फिर जुगेंद्र सिंह यादव मैदान में है, क्या इस बार फिर विपिन कुमार साहब रिपीट कर पाएंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तस्वीरों के साथ जुड़ेंगे ताकि मेहमान तस्वीरें एक साथ नजर आए। तो एटा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसके साथ ही आपको बता दूं कि टू वे कम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम है जिसमें दर्शक भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, नीचे फ्लैश होते हैं नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नेताओं से अपने सवाल जवाब कर सकते हैं और साथ ही साथ एटा को लेकर आपका जो कुछ भी कहना है वो बात भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे में तस्वीरें आपको बयां करता हूं, तस्वीरें दरअसल कहती क्या है, तस्वीरें दिखती हैं लेकिन बोलती क्या है, तो जो बोलती है वो मैं आपको बोलकर बताता हूं कि 2 सालों से रोड की यही स्थिति है, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही साथ एटा मेडिकल कॉलेज, गंदा पानी जमा होता है और साथ ही साथ टूटा हुआ है, तो ये एटा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है। इसके साथ सबसे बड़ी जो समस्या एटा विधानसभा की बताई जा रही है वो है कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। 2017 में जब बीजेपी आई थी तो जैसी सड़कें दिख रही थी
वैसी ही सड़कें आज भी दिखती हैं। गंदा पानी जमा होता है और साथ ही साथ सड़कों का जो हाल है वो पूरी तरह से खस्ता हाल है। डेंगू की समस्या से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के कुछ रीजन जब जूझ रहे थे तब ऐसी तस्वीरें परेशान करती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको एक चीज़ और बताता चलूँ जो कि आंकड़ों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। 2017 में बीजेपी के विपिन कुमार डेविड जो जीते थे उनको मिले थे 82,516 मत, जुगेंद्र सिंह यादव को मिले थे 61,385 मत, मतलब मार्जिन जो था वो था 21,000 वोटों का, 21,000 वोटों का मार्जिन था। इतना बड़ा मार्जिन था एक विधानसभा सीट के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इतना बड़ा मार्जिन, क्या मार्जिन के दम पर जो जीते थे विपिन कुमार डेविड साहब वो सब कुछ डिलीवर कर पाए या नहीं, इसको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय कराता हूं मेहमानों से। एडवोकेट अविनाश शर्मा जी हमारे साथ, रामू भटेले उर्फ और संदीप यादव साहब है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा देश है। धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहले तो अविनाश शर्मा जी आप पर आना चाहूंगा। 2017 मुझे आज भी याद है, जुगेंद्र सिंह यादव वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने जो विकास कराया है उसके नाम पर एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा वोट हमको पड़ेगा। लेकिन आप उस वक्त कह रहे थे कि गुंडा राज को मिटाना है तो बीजेपी को लाना है, तो जनता ने आपको भरपूर सहयोग दिया, भरपूर प्यार दिया, झोली भर भर के वोट दिया। सबसे पहले विकास के पैमाने पर बाद में आऊंगा, शिक्षा के पैमाने पर बाद में आऊंगा, स्वास्थ्य के पैमाने पर बाद में आऊंगा, सबसे पहले तो गुंडागर्दी के पैमाने पर ही आपको आंकते हैं, तो गुंडागर्दी में लगाम लगाने की आप जो बात कहते थे लगा सके? अविनाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अविनाश शर्मा जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, आवाज में कुछ समस्या है शायद। चलिए संदीप यादव जी पर टॉस करते हैं। संदीप यादव जी, 2017 में आपको कहते सुनते थे कि अखिलेश यादव जी ने इतना विकास कराया है उस विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे और एक तरफा चुनाव है, एटा में तो यादवों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो कि आपका कोर वोटर समझा जाता है, यादवों का गढ़ भी कहा जाता है एटा को और समाजवादी पार्टी का भी गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में 2017 में जो बीजेपी ने नारा दिया था कि गुंडा राज को अगर खत्म करना है तो बीजेपी को लाना होगा, तो क्या बीजेपी इस बात को कायम कर पाई लोगों के दिमाग में कि आपकी सरकार में गुंडा राज था जिसको हटाने के लिए बीजेपी को बम्पर वोटिंग की गई? हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संदीप जी सुन पा रहा हूँ। हाँ संदीप जी, तो मैं सवाल को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 2017 की वो तस्वीरें हर किसी को याद है जब 2017 के चुनावों से पहले बीजेपी कैंडिडेट कहते थे कि अगर गुंडा राज को हटाना है तो बीजेपी को लाना है और आप कहते थे कि अखिलेश यादव के विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे एक तरफा वोट लेके। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है एटा, सबसे ज्यादा जो संख्या है जनसंख्या के लिहाज से वो यादवों की है, यादवों का गढ़ है ये। ऐसे में सपा को शिकस्त क्यों मिली? क्या जनता के माइंड में ये चीज फ्रेम हो चुकी थी कि गुंडागर्दी है आपकी सरकार में, क्योंकि गुंडागर्दी हटाने के नाम पर ही वोट मांग रहे थे उस समय विपिन कुमार साहब? जी जी जी, देखिए जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रमित किया, पोलराइज किया, चाहे जाति के या धर्म के रूप में किया हो, क्योंकि वो जानते थे कि जो विकास का पैमाना श्री अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया है वो उस पर नहीं लड़ पाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गुंडा राज वाली जो बात हो रही है, आप देखिए जो पिछला चुनावी घोषणा पत्र था समाजवादी पार्टी का उसमें 100 नंबर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ऐसी व्यवस्था दी कि चाहे गांव का बिल्कुल सबसे कमजोर आदमी जो थाने कचहरी कोर्ट पहुंचने में से पहले दिक्कत होती थी, जो अराजक तत्व होते थे किसी पीड़ित को वहां तक नहीं पहुंचने देते थे थाने तक,
तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी जो बिल्कुल संकल्प पत्र से हट के कि कोई गांव का सबसे गरीब आदमी किसी जाति का हो किसी धर्म का हो वो अपना तुरंत वहां से पुलिस को सूचना करे, पुलिस उसके दरवाजे पे आएगी और उसे सम्मान और न्याय मिल पाए। ये व्यवस्था अखिलेश यादव जी की सरकार थी मैं थी जो अब आप देख पा रहे हैं कि वो कितने उससे आदमी लाभान्वित हुआ है तरीके से। और जो ये गुंडाराज की बात करते हैं, आप मुझे बताइए इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कस्टोडियल डेथ, चाहे कासगंज का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, कोई भी मामला आप उठा लीजिए। नहीं, 2017 में जो आपके कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जुगेंद्र सिंह यादव, इनके बड़े भाई है रामेश्वर सिंह यादव, इनके भतीजे भी हैं, एक इनके भतीजे का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इनके भतीजे साहब किसी पुलिस कप्तान को शायद धमकी देते हुए पाए गए थे कि आइए यहाँ पर बूट स्नैचिंग कर रहा हूँ मैं। देखिए किसी ऑडियो के आधार पर वो ऑडियो डॉक्टरेट भी हो सकता है। नहीं, उसके बाद रामेश्वर सिंह यादव का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। रामेश्वर सिंह यादव ने ये कहा था कि नया लड़का है, नया खून है, अगर कुछ बोल भी दिया तो उसको लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो आपके कैंडिडेट पर भी सवाल खड़े होते हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए एक देश में न्याय व्यवस्था है और हम लोगों के लिए जब कोई समस्या होती है, किसी पे कोई आरोप होता है, तो हम लोगों के लिए न्यायालय है और पूरे 5 वर्ष हो गए, अगर उसमें कोई वास्तविकता थी तो न्यायालय में जाता वो मसला, उसके बाद में कोई चीज तय होती। केवल जो चीजें हवा में है, किसी ने क्या कहा किसी ने नहीं कहा, जिनके कोई तथ्य भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है, उस पर हम बहस करके इस डिबेट का टाइम खराब करेंगे। मेरे हिसाब से हमें वास्तविक मुद्दों नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है और वहीं आपका अगर कैंडिडेट जुगेंद्र सिंह यादव है, रामेश्वर सिंह यादव ये लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो छवि है वो काफी दबंग नेताओं वाली छवि है। देखिए जो श्री रामेश्वर सिंह यादव जी हैं, अलीगंज के विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, आप ये देखिए जितना काम उन्होंने अपनी जनता के लिए किया। अब आरोप लगाने को तो लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे वो कह सकते हैं अपने मुंह से, लेकिन जो पिछली बार उन्होंने अपनी जनता के हित में काम करे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योजनाएं दी, उन सबसे जो व्यक्ति अभी देखिए मुद्दा तो ये होना चाहिए कि अभी आप दिखा रहे थे, मैं आपका वीडियो देख रहा था, उसमें आप दिखा रहे हैं सड़कों की क्या जर्जर। बिल्कुल, बीजेपी के अभी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उनसे लगातार यही सवाल होंगे जी। लेकिन आपसे जो सवाल वाजिब है वही पूछ सकता हूँ। देखिए रामेश्वर सिंह यादव जी दबंग नेता नहीं है, वो जनता के नेता है और वो आज से राजनीति में नहीं है, उनको राजनीति करते हुए 30-40 वर्ष हुए जा रहे हैं और 40 वर्ष में उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं करा कि जिससे उनकी एक छवि गुंडे वाली हो। वो तो बहुत जनता ने उन्हें कितनी बार चुन के सदन में भेजा है और उन लोगों के लिए उनके लिए ऐसा कहना, जो आदमी कम से कम 3-4 बार असेंबली में बैठ चुका हो, विधानसभा में बैठ चुका हो, उस पर ये बेवजह के आरोप है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। ठीक है संदीप यादव जी, इस बार 2022 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हालांकि अभी टिकट का वितरण नहीं हुआ है, क्या एक बार फिर जुगेंद्र यादव के चेहरे पर ही एटा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए श्री जुगेंद्र सिंह यादव जी एटा जिले के बहुत बड़े वरिष्ठ और मजबूत नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 4 बार 4 बार हैं, और जो टिकट वितरण का काम है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, समाजवादी पार्टी का है। वो किसको टिकट देते हैं और वो प्रयास पार्टी का यही होगा कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो सक्षम है हर चीज में, उसको ही टिकट दिया जाए और उसे जनता वोट करेगी। चलिए ठीक है अविनाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, नमस्कार। ठीक है अविनाश शर्मा जी, अगर आपको तस्वीरें दिख रही हो तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि सड़क का हाल क्या है, तस्वीरें बता रही हैं कि जगह जगह जल भराव है, तस्वीरें बता रही हैं कि मेडिकल कॉलेज एटा मेडिकल कॉलेज उसमें गंदा पानी जमा होता है और साथ ही साथ वहाँ काफ़ी कुछ टूटा हुआ है, मतलब दीवारें टूटी हुई हैं, काफ़ी कुछ टूटा फूट है, तो ऐसे में ये कौन सा विकास दे रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद एटा में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो आज़ादी के बाद से आज तक जिस पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, एक सीवर लाइन की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा एटा के लिए घोषित की गई, उसको लेकर जब आप जैसा कि आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब सीवर लाइन का कार्य शहर में होता है तो सारी सड़कें खोदी जाती हैं और पुनः उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो शहर में जो कहीं आप जो भी हो सकता है फोटोग्राफ आपने देखे हैं या वीडियो देखे होंगे, तो वो सीवर लाइन जो बराबर पड़ रही है 311 करोड़। नहीं तो ये सीवर लाइन पड़ रही है इसलिए पूरे शहर में इस तरीके का पानी का जल भराव दिख रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जहाँ जहाँ सीवर लाइन कम्प्लीट
हो चुकी है, वहाँ ये जल भराव की समस्या से शहर को निजात मिल चुकी है, क्योंकि एटा शहर एक कटोरे की आकृति में है। अगर वर्षा हो जाती है तो वो सारा पानी शहर के मध्य आ जाता था, जिसका समाधान मैं समझता हूँ कि इस माह के अंत तक सीवर लाइन का काम फाइनल हो जाएगा और शहर को ही भविष्य के लिए इस पेयजल जो पानी भरा हुआ जो आपको कहीं कहीं नजर आ रहा है, शहर में वैसे नहीं है, वो मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, 2017 में जब आपके विधायक जी विपिन कुमार वर्मा साहब जब चुनावी मैदान में थे तब कहते थे कि गुंडागर्दी को खत्म करना है तो बीजेपी को लाना होगा, तो क्या वो गुंडागर्दी खत्म हो सकी? ये अगर मैं कहूंगा तो ये भी आरोप लगा देंगे हमारे साथी समाजवादी पार्टी के मित्र की, मैं पक्ष पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये तो शहर की जनता से बता सकती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से अपहरण, हत्याएं, चौथ वसूली और जमीनों पे कब्जे, जिसके लिए एटा मशहूर था उसकी सरकारों में, आप एक भी कब्जे का कोई प्रकरण एटा में बता दें, एक भी अपहरण कोई बता दें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पदभार संभाला है, एक भी घटना अगर हो तो आप इससे बता दें। एक घटना का जिक्र मुझे याद आता है, मैं अभी सुन रहा था, आपने कभी प्रश्न किया था हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र से कि एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपने सही प्रश्न किया था, वो ऑडियो वायरल जो हुआ था वो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जुगेंद्र सिंह यादव थे उनके पुत्र पुष्पेंद्र यादव का था, जिसमें वो सरेआम एक प्रशासनिक अधिकारी को गालियों से और बदतमीजी से कहते हुए हड़का रहे थे, तो ये स्वतः प्रमाणित है। ठीक है, एक और चीज, आपने घटना का जिक्र किया तो 2019 अगर मैं सही कह रहा हूँ सितंबर में एक घटना हुई थी जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि विधायक जी को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। सितंबर 2019 में डग्गामार वाहनों को लेकर वो काफी पुलिस वालों को हड़काते दिख रहे थे, धमकाते दिख रहे थे। नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायक जी ने का जो वो वीडियो वायरल हुआ है, एक्चुअल में आगरा रोड पर पूर्व की सरकारों से रोडवेज के रंग में रंगी हुई कुछ अवैध बसों का संचालन हो रहा था, जो जब रुक नहीं रहा था बराबर, तो विधायक जी के पास बराबर शहर में, क्योंकि वहां से जाम लग जाता है, आगरा रोड मुख्य चौराहा है, तो विधायक जी के पास जब ये शिकायतें बराबर पहुंची तो विधायक जी ने मौके पर जाके देखा तो उस समय दो बसें अवैध डग्गेमारी वाली संचालन उनका वहां से हो रहा था। उन्होंने तत्काल सीआई को बुलाया, मौके पर इंस्पेक्टर कोतवाली को बुलाया और उनसे कहा कि इनका संचालन नहीं होना चाहिए, ये तो जनता के हित में किया गया एक कार्य था, उनके द्वारा कोई ऐसी अभद्र भाषा नहीं प्रयोग की गई थी, केवल बताया जा रहा था कि आप लोग कहते हैं अवैध डग्गेमारी नहीं हो रही थी। नहीं, अभद्र भाषा, देखिए अभद्र भाषा की बात करें तो ऐसी ऐसी भाषा प्रयोग हुई थी कि बीप लगाना पड़ा था काफी चैनल्स को, हमने भी उस वक्त चलाया था तब हमको भी बीप लगाना पड़ा था। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सार्वजनिक रूप से इतना गुस्सा करना ठीक नहीं था, पुलिस वालों को इस तरीके से धमकाना ठीक नहीं था? तो मतलब आप जो आरोप अपने राइवलरी पार्टी पर लगा रहे हैं, राइवल पार्टी पर लगा रहे हैं, तो उसी तरीके का दबंग छवि का आप भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये दबंग प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं था, उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताया जा रहा था कि आप लोग हमको रिपोर्टिंग करते हैं कि अवैध डग्गेमारी नहीं हो रही और मौके पर ये बस खड़ी हुई है, तो आप इसका चालान करिए, ये तो जनता के हित में किया एक बताना, क्योंकि थोड़ा हमारे विधायक जी की आवाज उस समय हो सकता है तेज हो गई हो, क्योंकि भीड़ भरा माहौल रहता है वहाँ पे, आपस में सुनने में भी फर्क रहता है, बातें रहती है तो काफी शोरगुल रहता है। चलिए ठीक है, विधायक जी तेज आवाज में बोल रहे होंगे, अन्यथा उनका उद्देश्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को दबाव में लेना नहीं था, केवल समस्या से निजात दिलवाना था। चलिए विपिन जी, दो तीन पैमानों पर मैं सवाल करूंगा, उनके जवाब दे दिए जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद हम संदीप यादव जी के पास चलेंगे। तो अविनाश जी, दो पैमाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने अपनी विधानसभा में क्या किया है, विधायक जी के द्वारा क्या कुछ काम कराए गए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? जी, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आजादी के बाद से, क्योंकि एटा जिला आजादी के समय का जिला है, लेकिन फिर भी पूर्व की सरकारों ने कभी एटा में चिकित्सा को लेकर कोई कार्य नहीं किया, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी प्रयास किया गया और एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की और जो एक बड़े ही अल्प समय में एटा में बनकर तैयार हो गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो गई और उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी पिछले माह किया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एटा जैसे पिछड़े जनपद के लिए, या मेडिकल कॉलेज एटा में भी स्थापित हो गया।
दूसरी चीज, जहां तक आपने शिक्षा को लेके बात की है, तो शिक्षा के लिए एक नवोदय विद्यापीठ का जो विद्यालय है उसके में अच्छी शिक्षा है, बिल्डिंग का और अच्छे शिक्षकों का के लिए चयन के लिए बराबर प्रयास किया गया, उसमें सफलता प्राप्त हुई है। आईटीआई के क्षेत्र में कई कॉलेज एटा में स्थापित हुए हैं, तो शिक्षा को लेकर भी प्रयास निरंतर जारी है और उसके परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, तो विधायक जी, जब अपनी विधानसभा में जाएंगे वोट मांग रहे होंगे हालांकि अभी भी, तो विधायक जी जब जा रहे हैं तो क्या बात रख रहे हैं कि 2017 में मैंने ये कहा था और ये मैंने पूरा करके दिखा दिया, तो किस बात को वो रख रहे हैं विधानसभा में? हमारे विधायक जी द्वारा चूंकि भयमुक्त समाज और विकास की बात को लेकर हम पिछली बार चुनाव में गए थे और अपने विकास के मॉडल को हम पुनः बताते हुए आम किसानों के लिए जो योजनाएं सरकार ने लागू की, उज्ज्वला योजनाएं जो सरकार के स्तर से लागू हुई, इन सारी योजनाओं का हम अपना प्रचार प्रसार करके जनता के बीच दोबारा जा रहे हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर से यादव वोट जो है वहां पर बहुसंख्यक वोट है वो आपको मिलेगा? यादव वोट जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार हमको ज्यादा मिलेगा। पिछली बार हमको कम मिला था लेकिन पोलराइजेशन लास्ट समय में हुआ था, लेकिन इस बार यादव वोट भी हमको ज्यादा संख्या में मिलेगा। अच्छा, एटा का ये गणित समझाइए मुझको कि समाजवादी पार्टी भी वहां चुनावी मैदान में होती है, इसके बावजूद यादव वोट पूरा उनको क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि अलग जगहों पर हम देखें, अन्य जगहों पर देखें यादव वोट को कोर वोटर माना जाता है उनका, लेकिन यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ पर आपको भी मिल जाता है यादव वोट। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से कि यहाँ मैं अगर जरा थोड़ा वैसे नहीं जाऊंगा, ऐसा एक आरोप लग जाएगा कि मैं वैसी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ एक स्थिति है कि जो यादव हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों के अनुसार चलेगा वो तो उनका रहता है, और जब यदि अगर किसी भी यादव ने उनकी उस बात को नहीं माना जो वो अनुचित बात है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा जो कहा जा रहा है, तो वो यादव उनसे दूर हो जाता है, उसके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी जाती है, या तो उसको जेल भेज दिया जाएगा फर्जी मुकदमों में, अन्यथा उसकी जमीन को गिरवा दिया जाएगा, तो वो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है। चलिए ठीक है, ठीक है, जब उत्पीड़न होगा तो व्यक्ति तो आपसे दूर रहेगा ना। ठीक है, संदीप यादव जी हमारे साथ है। संदीप यादव जी, अविनाश शर्मा जी का कहना है कि यादव वोट जो है दरअसल अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा है एटा का, और जो बचा कुचा है उसको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि फर्जी मुकदमे लगवा देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा हिसाब है कि जो न खाता न बही, जो वो बोले वही सही। अभी इन्होंने तमाम बातें करी इधर उधर की, इन्होंने जो पहला फैलाया भ्रम की वो सीवर लाइन की बात कर रहे हैं, जो ये जो सीवर लाइन का काम था वो पिछली भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब शुरू हुआ था, वो किसी से छिपा नहीं है, और ये देखिए पूरे 5 वर्ष होने आ गए, आज तक वो सीवर कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। दूसरी बात कि मतलब आपके समय से ही भ्रष्टाचार का केंद्र है या इनकी सरकार में आके भ्रष्टाचार का केंद्र? सुन तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हमने जब हमारे यहाँ काम शुरू हुआ था उसका सारा जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका पूरा ज्योमेटिकल सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, और पूरे 5 साल हो गए आज तक सीवर में इतने भ्रष्टाचार अभी तक इस सरकार में आ चुके हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से, कि पूरा आप देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नगर विकास मंत्री श्री आजम खान साहब थे, आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ एटा जिले के अंदर 9 नगर पंचायतें हैं और नगर पालिका मिला के सारी वो 9 है, आप किसी में भी चले जाइए सारी गलियां आपको इंटरलॉक मिलेंगी उस समय की, और सारी स्ट्रीट लाइट है ये जो खड़ंजे, तो ये वाली सड़कें क्यों छोड़ दी थी फिर आपने अपनी सरकार में? जी, ये वाली सड़कें क्यों छोड़ दी थी अपनी सरकार में, ये सड़कें जो दिख रही है? ये देखिए सर, जो आप जो फोटो दिखा रहे हैं ना, ये आपने बहुत अच्छा करा कि आपने एटा की वास्तविकता दिखाई है पिछले 5 साल की। अभी अभी भाई साहब बता रहे थे इनको, तो अगर ये अभी तो ये भी कह सकते हैं कि जो हिमालय था वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में निकला है, इससे पहले कुछ नहीं निकला है। अरे तो आप भी कह सकते हैं कि हिमालय की शुरुआत हमारे शासन काल में हुई थी, आजकल आप पर व्यंग भी बन रहे हैं इसी प्रकार के। चलिए, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, कॉलर को ले लेते हैं। संदीप जी फिर आप पर वापस आएंगे, ठीक है? बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा। जी स्वागत है आपका, जी नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज,
जी नमस्कार, स्वागत है आपका। टीवी तो खोलेगा तो कैसे खोलेंगे? जी आवाज आ रही है आपकी, बात रखिए। तुमने कैसे खोला है? जी आप ठीक है, चलिए शायद फोन कट गया है। संदीप यादव जी, आप जो अपनी बात कह रहे थे उसको रखिएगा। देखिए सर, जो प्रमाण है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। जो 25 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के लिए पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने लिए थे, उसमें एक मेडिकल कॉलेज एटा का भी था। दूसरी बात, जो जिस विद्युत तापी परियोजना जो एटा पे लग रही है, इतनी बड़ी परियोजना का शिलान्यास पिछली बार श्री अखिलेश यादव जी ने 25 दिसंबर को किया था, और जब वो अंतिम सरकार, जब अंतिम साल चल रहा था उस समय। और जो ये नगर पालिका की जो ये इसकी सीवर लाइन की बात कर रहा है, ये व्यवस्था भी समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। अगर जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो वर्तमान विधायक जी का एक काम कोई अपना बता दें तो जो भी ये कहेंगे हम वो स्वीकार कर। चलिए ठीक है, एक बार फिर से दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, उनको भी ले लेते हैं, सामान्य जनता को भी समय दे देते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी स्वागत है आपका, नाम बताइएगा पहले। जी मेरा नाम आकाश। आकाश पूरा नाम? जी आकाश यादव। आकाश यादव, छुपा रहे थे, चलिए। जी मैं एटा सदर में ही रहता हूँ। हाँ ठीक है, बात रखिए। 104 मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे करीब एक साल होने जा रहा है यहाँ की सीवर लाइन की जो सड़कें खुदी हुई हैं, अभी तक कोई भी यहाँ पे एक भी गड्ढा नहीं भरा गया। दूसरी चीज, यहाँ पे खुले हुए जानवर घूम रहे हैं जिनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं, इस पे भी कोई रोकथाम नहीं हुई। बड़े ध्यान से सुनिएगा अविनाश शर्मा जी, उसका भी कोई इंतजाम नहीं हुआ गया। तीसरा, यहाँ पे आए दिन लूट घसोट चोरी डकैती पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ की, लोकल के शहर में ये जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको अविनाश शर्मा आपको काम करने की जरूरत है। टाला टाली मत करिएगा, आम दर्शक हैं, रैंडम कॉलर हैं जो जुड़ते हैं और बताते हैं, अपनी बातचीत अपनी रखते हैं। तो अविनाश शर्मा जी, यही मुद्दे हैं जिन पर आपको काम करना है। आपको बैठे बैठाए मुद्दे हमने बता दिए हैं कि किस पर काम करने की जरूरत है। कौन सा काम पूरा हुआ ये तो आप खुद ही बताते हैं, लेकिन कौन सा काम रह गया अधूरा ये हमने आपको बता दिया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अविनाश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप यादव जी आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन का आज कार्यक्रम था, जहां पर हमने एटा विधानसभा की बात कर रहे थे। एटा विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ उसको लेकर चर्चा की गई। दोनों तरफ, जैसा कि हर बार होता है अमूमन, कि दोनों तरफ के अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने प्रत्यारोप हैं, अपने अपने दोनों ने बताया कि दोनों के राज में किस तरीके से विकास जो था वो बुलंदियां छू रहा था। लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो पता लगता है कि विकास बुलंदियां नहीं छू रहा था, बल्कि विकास तो गड्ढे के नीचे दुबक गया था। ऐसे ही और भी विधानसभा का हाल जानते रहेंगे, परखते रहेंगे, हमारी मुहिम लगातार जारी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।